हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में वृत्त एवं स्पर्श रेखा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली आप लोगों के जितना भी वृत्त एवं स्पर्श रेखा है उन सभी क्वेश्चनों में लागू होगा ये प्रमेय, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस प्रमेय को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, वृत्त एवं स्पर्श रेखा है तो आपका पहला प्रमेय क्या कह रहा है, देखो, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। किसी वृत्त की बराबर जीवाएं है ना, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, चित्र की मदद से इसको समझते हैं। मान लेते हैं यह यहाँ पर एक वृत्त बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर ये है वृत्त का केंद्र, ठीक है, वो वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर दो जीवा बना लेता हूँ, ये एक जीवा और यहाँ एक जीवा। इन जीवा को मैं नाम दे देता हूँ ए बी और ये सी डी। यहाँ पर दोनों जीवा बराबर है, ए बी और सी डी दोनों जीवा बराबर है, ठीक है, दोनों जीवा बराबर है। तो इस जीवा के द्वारा केंद्र पर यहाँ पर कोण बनाएगा, ठीक है, ए बी के द्वारा यहाँ पर कोण बनाया। इसी प्रकार से सी डी के द्वारा भी केंद्र पर यहाँ पर कोण बनाएगा, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। यदि दो जीवा यदि बराबर है तो वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण भी बराबर होगा, ठीक है। ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों। एक बार और ध्यान से देखिए, किसी वृत्त पर यदि दो जीवा आपस में बराबर है तो इन दोनों जीवाओं के द्वारा ये केंद्र पर बनाए गए कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये प्रमेय नंबर आपका पहला है। अब देखिए, प्रमेय नंबर आपका दूसरा क्या कर रहा है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो वे जीवाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसका भी अर्थ क्या है, देखिए चित्र के मदद से, ये वृत्त है, ये वृत्त क्या है, केंद्र ओ है। दो जीवा मान लेते हैं, कोई भी मान लेता हूँ, इसको भी ए बी जीवा है ये और ये सी डी जीवा है, ठीक है। तो यदि किसी वृत्त के वृत्त पर है ना, यदि किसी वृत्त पर दो जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर है, केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर है, मान लीजिए वृत्त पर कोण बना रहा है, यदि दोनों कोण आपस में बराबर है, मान लेता हूँ इसको 30 अंश मान लेता हूँ कोण को, इसको भी 30 अंश कोण मान रहा हूँ, तो ये ए बी और सी डी के द्वारा केंद्र पर कोण बनाया गया है, यदि वह दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों जीवा आपस में बराबर होगी। इसका अर्थ यही है, यदि किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यदि क्या हो, बराबर हो, तो ये जीवाएं आपस में बराबर होगी। याद रखना, यहाँ पर देखें दोस्तों, ए बी और सी डी दो जीवा है, इन्हीं दोनों जीवा के द्वारा केंद्र पर कोण बनाया गया है, यदि दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये दोनों जीवा आपस में भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, अर्थात ए बी बराबर सी डी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपका प्रमेय नंबर तीसरा, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित कहने का अर्थ ये है कि जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगी। अब देखिए, इसको भी चित्र के मदद से समझते हैं, ठीक है। ये है वृत्त का केंद्र ओ, तो इस प्रमेय के आधार पर देखिए इस पर क्या होगा, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, ठीक है, करता है। मान लेते हैं यहाँ पर एक जीवा मान लेता हूँ ए बी। अब देखिए, इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे, जीवा पर क्या डाला, लंब ओ डी डाला, तो इन जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात यहाँ पर क्या मिलेगा, ए डी बराबर डी बी मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रमेय के आधार पर ये दोनों आपस में बराबर बढ़ जाता है, ठीक है। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। इसका अर्थ यही है, देखिए चित्र में, ये ए बी यहाँ पर जीवा है और केंद्र से इस पर लंब डाले हैं जीवा पर ओ डी, तो ये जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात ए डी बराबर डी बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रमेय को भी आप लोग अच्छे से याद करना दोस्तों। अब देखिए आपका चौथा प्रमेय क्या कहता है, एक वृत्त का केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है, ठीक है। इसको भी चित्र की मदद से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर एक जीवा बना लेते हैं ए और बी, ठीक है। तो इस सेंटेंस के आधार पर, इस कथन के आधार पर क्या होगा, देखिए एक वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त का ये केंद्र है और जीवा के मध्य बिंदु, जीवा का मान लेता हूँ या मध्य बिंदु सी मान लेता हूँ,
तो इस मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, मध्य बिंदु को मिलाने वाला ये रेखाखंड जो होता है जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। लंब होता है अर्थात ये कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, एक वृत्त का केंद्र हो गया और ये जीवा का ये मध्य बिंदु सी हो गया। यदि जीवा पर है ना, ये केंद्र से इस केंद्र से इस बिंदु पर एक रेखा खींचेंगे तो इस जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, एक बार और देखिए है ना, प्रमेय क्या कहता है, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसका अर्थ क्या है, देखिए दोस्तों, यदि दो जीवाएं बराबर है, यदि दो जीवा बराबर है तो दोनों जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होती है वह बराबर होती है। दूसरा प्रमेय देखिए, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो वे जीवाएं बराबर होती है। देखिए ये ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, यदि दोनों जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, देखिए यहाँ पर ये भी 30 अंश का कोण बनाया, इसको भी 30 अंश का कोण बनाया, तो ए बी और सी डी आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, आपका प्रमेय नंबर तीसरा देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से जीवाओं पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटती है। चित्र की मदद से देखिए, ये वृत्त है और वृत्त की केंद्र ओ है और ये ए बी जीवा है। ठीक है, तो किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर, ये जीवा ए बी पर डाला गया लंब जो होता है जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात ए डी और डी बी आपस में बराबर हो जाएगा। अब आपका लास्ट प्रमेय देखिए, चौथा प्रमेय, एक वृत्त का केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर क्या होती है, लंब होता है। यहाँ पर देखिए ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है और ये जीवा का मध्य बिंदु सी है, तो जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली है ना, जीवा को मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा है वो लंब होती है, 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर देखना ताकि आपका प्रश्नावली बहुत ही आसान से बन सके। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नावली को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।